हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूनम। वेलकम टू माय चैनल अभिमोनू नेचर लवर्स। सो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? होप करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ विनका प्लांट की प्रोपोगेशन के बारे में, कि विनका प्लांट की प्रोपोगेशन कैसे की जाती है। और फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसकी केयरिंग के बारे में भी बताया था कि विनका प्लांट की केयरिंग कैसे की जाती है। तो अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं कि इसकी केयर कैसे की जाए। तो चलिए देखते हैं कि इसकी प्रोपोगेशन कैसे की जाती है। फर्स्टली मैं बता देना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि विनका प्लांट की प्रोपोगेशन कई प्रकार से होती है। आप इसे तीन प्रकार से प्रोपोगेट कर सकते हैं, जैसे कि एक सीड्स के थ्रू कर सकते हैं प्रोपोगेट। आप जैसे कि इसमें सीड्स निकलते हैं और उसको अगर आप मिट्टी में डाल देंगे तो वो वहाँ से इसका प्रोपोगेशन हो जाता है। और ये है इसके छोटे छोटे सीड्स। अभी मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसी में मैंने इसकी कटिंग और प्रूनिंग के भी बारे में आप सभी से शेयर किया था कि इसकी कटिंग और प्रूनिंग कैसे करनी चाहिए। सो मैंने इसे कट भी किया था, तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कि काफ़ी सीड्स तो इसके उसी में गायब हो गए हैं। सो मुझे इसलिए दिखाने में आप सभी को प्रॉब्लम हो रही है, बट देखिए अभी भी स्मॉल स्मॉल कुछ बचे हैं। एक मिनट मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये हैं फ्रेंड्स, ऐसे इसके सीड्स होते हैं। और अगर आप ये अभी तो कच्चे हैं, जब ये पक जाते हैं तो आप इन्हें ऐसे तोड़ के, ये तो वैसे फ़िलहाल अपने आप ही प्रोपोगेट होते रहते हैं, बट अगर आपको जो है इसे दूसरे प्लांटर में प्रोपोगेशन इसका करना है तो एक प्लांट से लेके इसको दूसरे प्लांटर में आप ऐसे प्रोपोगेट कर सकते हैं इसके सीड्स के थ्रू। और फ्रेंड्स, दूसरा तरीका है कि जैसे कि इसमें मैंने लगाया हुआ है प्लांट और ये खुद से ही प्रोपोगेट होते रहते हैं, बगल बगल अपने आप ही इनके नए नए प्लांट उगते रहते हैं। तो अगर आपको उसी में इन्हें रहने देना है, उसी प्लांटर में रहने देना है, तब तो कोई बात नहीं। अदरवाइज़ अगर आपको दूसरे प्लांटर में इसको शिफ्ट करना है तो आप वहाँ से ये वाला प्लांट निकाल के, छोटा वाला जो भी प्रोपोगेट हुआ है, तो उसे आप दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड तरीका मैं आप सभी से बताने वाली हूँ करके कि इसे कैसे प्रोपोगेट किया जाता है। थर्ड तरीका है फ्रेंड इसका प्रोपोगेशन का, कि इसको कटिंग के द्वारा प्रोपोगेट कर सकते हैं आप। और ये तरीका फ्रेंड्स बहुत ही इजी है। जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इसकी केयर बहुत ही इजी होती है और वैसे ही इसकी प्रोपोगेशन भी बहुत ही इजी होती है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी प्रोपोगेशन कैसे की जाए। बस फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये, बस इसको यहाँ से कट कर देना है। देखिए, बस फ्रेंड्स बहुत ही इजी होता है इसको कटिंग द्वारा प्रोपोगेट करना विनका प्लांट को। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसकी छोटी छोटी कटिंग कट कर ली है। ये देख सकते हैं, बस इसको ऐसे ही नीचे से, ऐसे इसके जो नीचे वाले आप देख रहे हैं लीव्स, इसको रिमूव कर देना है ऐसे। फ्रेंड्स आपको ऐसे रिमूव कर देना है नीचे के लीव्स को। और फ्रेंड्स, जो हम लोग इसकी लीव्स को रिमूव करते हैं, इसका एक रीज़न ये भी है कि यहीं से, जहां से हम लोग इसके लीव्स को रिमूव करते हैं वहीं से इसकी रूटिंग होती है।
ये देख सकते हैं आप। बस फ्रेंड्स इसको ऐसे ही लगा देना है मिट्टी में। देख रहे हैं मैं कैसे कर रही हूँ, जस्ट ऐसा ही आप सबको भी करना है। बहुत ही इजी है, आप कैसे भी इसको लगा दीजिए, बस ऐसे नीचे के लीव्स रिमूव करिए और इसे इसमें बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ही इजी होता है इसे प्रोपोगेट करना। और फ्रेंड्स इसे लगाने के लिए कुछ भी सोचना नहीं है, बहुत ही इजी है, आप बस ऐसे रिमूव करिए और लगाते जाइए। और इसकी कटिंग फ्रेंड्स चलती ही चलती है, ये देखिए। देख रहे हैं फ्रेंड्स मैं अभी टेरेस गार्डन में हूँ और अभी तो जैसे लग रहा था कि बस बारिश का मौसम आ ही गया है। और अभी हल्का हल्का मुझे ऐसा भी लग रहा था कि जैसे बारिश होने ही वाली है, बट देख रहे हैं कि कभी धूप आती है तो कभी छांव आ जाती है और मौसम आजकल ऐसा ही चल रहा है। और देखिए बारिश कब तक आती है। और ये भी मौसम फ्रेंड्स आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं इस मौसम में भी जो अभी चल रहा है, बहुत ही इजीली ये प्रोपोगेट हो जाते हैं विनका के प्लांट, आप देख सकते हैं ये। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहें तो ऐसे रिमूव भी कर देंगे, अगर ऊपर के ये जो फ्लावर्स हैं विनका के इसको तोड़ देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ऊपर से ये अच्छे से इसके लीव्स भी आते हैं, ये बहुत अच्छे से प्रोपोगेट होते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें बस वाटरिंग कर देना है। बस हो गया, बहुत ही सिंपल फ्रेंड्स है ये इसको प्रोपोगेट करना। और देखिए जो मैंने आप सभी से इसकी केयरिंग के बारे में और इसकी जो प्रूनिंग मैंने आप सभी से इसका वीडियो शेयर किया था अभी प्रीवियस वीडियो में, तो मैंने जो उसकी कटिंग निकाली थी उस समय, तो मैंने देखिए यहाँ पे इसको प्रोपोगेट किया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स ये कितने अच्छे से चल रहे हैं। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक है और आप लोग भी इसकी कटिंग के थ्रू आप इसे भी प्रोपोगेट कर सकते हैं इस विनका प्लांट को, और ऐसे ही डेवलप कर सकते हैं एक प्लांट से अनेक प्लांट को। सो फ्रेंड्स अब मैं चलती हूँ, अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए। तो बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।